गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक आफ्टर योर हॉलीडेज़। बेटा, अब छुट्टियों के बाद आपकी अब फिर से क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं, तो हमारा जो चैप्टर्स हो चुके हैं उसके बाद हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम हिस्ट्री लेकर चल रहे हैं। बेटा, हिस्ट्री के अंदर हमारा फर्स्ट चैप्टर हो चुका है, आज हम सेकेंड चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं। आपका सेकेंड चैप्टर है हिस्ट्री का अर्ली ह्यूमंस। इसके अंदर हिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है अर्ली ह्यूमंस। इसके अंदर जो आदि मानव था उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, पहले का जो इंसान था, मानव था, वो किस प्रकार का था, किस प्रकार से वो रहता था, कैसा खाना खाता था, किस प्रकार से अपना वो जीवन यापन करता था, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ओके, अब देखिए, इसके अंदर मॉडर्न ह्यूमन रेस ओरिजिनेटेड इन अफ्रीका अराउंड 1,60,000 ईयर्स अगो। फ्रॉम देयर इट स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। मॉडर्न ह्यूमन रेस जो अफ्रीका के अंदर आज से लगभग 1,60,000 पहले जो मनुष्य रहता था, वो धीरे धीरे करके क्या है, पूरे संसार के अंदर फैल गया। एंड ह्यूमन स्टार्टेड टू लिव इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और जो मानव था उसने क्या है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर भी रहना, मतलब भारत के अंदर, भारतीय उपमहाद्वीप में भी रहना धीरे धीरे करके वो फैल गए। एंड 2 मिलियन ईयर्स अगो अर्ली ह्यूमन लिव्ड अ प्रिमिटिव लाइफ। इमेजिन अ लाइफ हेयर। अब इसके अंदर इमेजिनेशन करो, जहाँ ऐसा इंसान जो पीपल हंटेड एनिमल, जो हमेशा जानवरों का शिकार करता था, एंड गैदर फूड्स एंड रूट्स, और जो कंद मूल इकट्ठे करके, फल फूल इकट्ठे करके खाता था, अपना जीवन यापन करता था। अ टाइम व्हेन देयर वाज नो लैंग्वेज। एक ऐसा समय जिसके अंदर कोई भाषा नहीं थी। और वह किस चीज़ से सीखते थे, वो कैसे अपनी बातों को एक दूसरे को समझाते थे, देयर सराउंडिंग्स, अपने आसपास की सराउंडिंग्स को देखकर, एंड लर्न हाउ थिंग्स वर्क इन द नेचर। वो सीखते थे कि किस प्रकार से सीखते थे, कि किस प्रकार से नेचर के अंदर रहकर कैसे चीज़ों के साथ वर्क किया जाता, कैसे चीज़ों, नई नई चीज़ों को देखकर किस प्रकार से हम नई चीज़ों को सीख सकते हैं। तो ये आपका आदिमानव की पिक्चर दिखाई दे रही है बेटा। ये आदिमानव था जिसे खाना बदोष भी कहा गया है। ये देखिए दिखाई दे रहा है, ये धीरे धीरे करके आज हम क्या है, पूरे मानव बन गए हैं। इवोल्यूशन ऑफ मैन। देयर नीड्स फोर्स डैम टू मेक इन्वेंशंस। उनकी जो नीड्स थी, उनकी ज़रूरतें थी, उन्होंने उसे फोर्स किया कि वो नई नई चीज़ों का आविष्कार करें। एंड टूडे ह्यूमन लिव्स अ मॉडर्न लाइफ। आज का जो मानव है वो कैसा जीवन यापन कर रहा है, आज हम मॉडर्न लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, आज हमारे पास सभी कुछ है। एंड सेंड सैटेलाइट्स इनटू स्पेस। आज हम क्या है, स्पेस में सैटेलाइट्स भेजते हैं। एंड हैव लैंडेड ऑन द मून। और हम मून के ऊपर भी जा चुके हैं। तो इस प्रकार से आज का जो मानव है बिल्कुल परिवर्तित हो गया है। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे, इस चैप्टर में प्री हिस्टोरिक जो एज है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जिसे स्टोन एज भी कहा जाता है। अब देखिए, स्टोन एज क्या है, स्टोन एज में क्या होता है बेटा, इस ड्यूरिंग दिस पीरियड स्टोन्स वर द मेन मटीरियल यूज्ड बाय द अर्ली ह्यूमंस। इस युग के अंदर, इस एज के अंदर स्टोन्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता था अर्ली ह्यूमंस के द्वारा। और जो स्टोन एज है उसे 3 स्टेजेस के अंदर डिवाइड किया गया है। ओल्ड स्टोन एज जिसे पैलोलिथिक एज कहा गया है, मिडिल स्टोन एज जिसे मेसोलिथिक कहा गया, न्यू स्टोन एज जिसे न्योलिथिक एज भी कहा गया है। अब देखिए, इसको अलग अलग करके हम डिस्कस करते हैं। वर्ड पैलोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड्स पैलियो, इसे 2 अलग अलग ग्रीक वर्ड से निकाला गया है, पैलियो विच मीन्स ओल्ड एंड लिथ विच मीन्स स्टोन। ओके, वर्ड मिसोलिथिक इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड मिसो विच मीन्स मिडल, मिडल होता है मिडिल मतलब यानी कि बीच वाला। एंड द वर्ड नियो इन द नीन इज द नियोलिथिक मीन्स न्यू, न्यू मीन्स नया। ओके, अब इन तीनों के बारे में हम अलग अलग डिस्कस करते हैं। फर्स्ट आपका पैलोलिथिक या स्टोन एज, पैलोलिथिक या स्टोन एज, इसके अंदर देखिए, दिस पीरियड लास्टेड इन प्री हिस्टोरिक टाइम्स अबाउट 2 मिलियन ईयर्स अगो टू 12,000 ईयर्स अगो। यह है 2 मिलियन अगो, 2 मिलियन ईयर्स से लेकर 12,000, लगभग आज से 12,000 वर्ष पहले का जो समय था उसे ओल्ड स्टोन एज के नाम से जाना गया है। इस समय के अंदर जो लोग थे वो क्या है, हंटर्स थे, मतलब शिकारी थे, और वो क्या है, गैदरस, वो चीज़ों को इकट्ठा उठा उठा कर खाते थे, फ्रूट्स को, रूट्स को। दे कॉट फिश, बर्ड्स एंड किल्ड एनिमल्स। यह फिश को, बर्ड्स को पकड़ते थे और जानवरों को मारते थे। एंड विद द हेल्प ऑफ क्रूड स्टोन, और इनके पास जो हथियार होते थे उसकी सहायता से क्या है, जानवरों को मारकर उनका शिकार करते थे, उन्हें खाते थे।
दे गैदर फ्रूट्स रूट्स सीड्स नट्स। और इसके अलावा ये फ्रूट्स रूट्स सीड्स और नट्स को भी इकट्ठा करते थे और उन्हें खाते थे। आगे आपका आता है मेसोलिथिक या मॉडर्न मिडिल स्टोन एज, इसे मिडिल स्टोन एज भी कहा गया है। ये पीरियड कब से कब तक का था, देखो बेटा ये 12000 BCE से 8000 BCE तक का समय था, जो वो क्या है मेसोलिथिक के नाम से जाना गया है। और इस पीरियड के अंदर जो स्टोन थे वो स्मॉलर छोटे थे लेकिन शार्प थे, उस युग की अपेक्षा इन्होंने क्या है यहाँ पर नया इन्वेंट कर लिया था। यहाँ के जो इस समय के जो टूल्स थे वो शार्प हो गए थे एंड दे कुड मेक, जो इस समय के जो टूल्स थे वो ना केवल किसके वो ना केवल स्टोन्स पत्थर के बने हुए थे बल्कि ये क्या है एनिमल्स की बोन्स और हॉर्न से भी इन्होंने टूल्स बनाना सीख लिया था। आगे आप कहते हैं नियोलिथिक या न्यू स्टोन एज, न्यू स्टोन एज देखिए पीरियड कब से कब तक था, 8000 BC से 4000 BC तक का जो समय था वो नियोलिथिक के नाम से जाना गया है। और इस समय के अंदर क्या बहुत सारे इंप्रूवमेंट हुए थे, बहुत सारे चेंजमेंट हुए थे। नाउ द टूल्स हैड एजेस, अब इस समय के जो टूल्स थे उन वो क्या है बहुत शार्प थे एंड वर अ लॉट मोर शार्पन अ लार्ज नंबर ऑफ स्पार्क्स स्पीयर्स सीकर्स एरोज एंड एक्सेस हैव बीन फाउंड इन दैट इन दिस पीरियड। ओके ये आपका था नियोलिथिक पीरियड। अब देखो बेटा साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन, साइट्स ऑफ सिविलाइजेशन के अंदर देखिए इसमें क्या बताया गया था, अर्ली ह्यूमन लिव नियर वाटर बॉडीज, जो पुराने समय का जो मानव था वो क्या है वाटर बॉडीज के पास रहता था लाइक रिवर्स लेक्स एंड अदर सोर्सेज ऑफ वाटर बोथ पेरिनियल एंड टेम्परेरी। और पेरिनियल होता है जो हर समय जो नदियां बहती रहती है उसे पेरिनियल रिवर कहा गया, टेम्परेरी जो मानसून के अंदर जो बहती है रिवर्स उन्हें टेम्परेरी का नाम दिया गया है। आगे देखो बेटा उस समय के टूल्स और वेपन्स किस प्रकार के थे, तो उस समय के जो टूल्स और वेपन थे उन्हें दो टाइप में बांटा गया, फर्स्ट आपका कोर टूल्स और सेकंड आपका फ्लेक टूल्स। तो कोर टूल्स देखिए क्या था, कोर टूल्स वर ओवल एंड पियर, ओवल होता है जैसे ये अंडे की जो शेप होती है इस शेप के उस समय के जो टूल्स थे वो ओवल शेप में थे। देवर हैवी, ये वजन बहुत हैवी थे एंड वर यूज इन लेबोरियस टास्क सच एज कटिंग ऑफ ट्रीज, और इन्हें क्या है पेड़ की कटिंग करने के लिए या डिगिंग यानी कि गड्ढा खोदने के लिए इन्हें यूज़ किया जाता था। बट लेटर दे वर टाइड टू अ लॉन्ग स्टिक, लेकिन धीरे धीरे करके क्या है पहले तो वो क्या है हाथ से ही करते थे लेकिन उसके बाद उन्होंने उसके अंदर एक लंबी स्टिक लगाकर उन्हें यूज़ करना सीख लिया था। आगे आप कहते हैं फ्लेक टूल्स, फ्लेक टूल्स देखिए क्या क्लेवरर्स एंड चोपर्स वर फ्लेक टूल्स, दे वर यूज टू कट, ये इनके जो किनारे होते थे बहुत ही तीखे होते थे वो पहने होते थे, तो इन्हें क्या है ये इसके द्वारा चीज़ों को काटने के लिए और पेड़ या लकड़ियों को स्प्लिट करने के लिए चीरने के लिए क्या है इसका यूज़ किया जाता था। और इसके अलावा इससे ये क्या है जानवरों को भी किल करते थे मार सकते थे, इनके जो एजिस थे बहुत ही शार्प होते थे। ओके आगे देखिए यूज़ ऑफ टूल्स, जो टूल्स थे उसका यूज़ किस प्रकार से लोग ये उस समय के जो पीपल थे वो कैसे करते थे, किन चीज़ों में यूज़ करते थे। स्टोन टूल्स वर यूज्ड बाय अर्ली ह्यूमंस टू किल एनिमल्स, वो जानवरों को मारने में, कट मीट उनका मांस काटने के लिए एंड बोन उनकी हड्डियां काटने के लिए, स्क्रेप द हाइड्स ऑफ एनिमल्स और अपने आप को जो छुपे हुए जो जानवर होते थे उन्हें उन्हें मार कर खा उनका मांस निकाल कर उनका मीट निकाल कर खाने के लिए एंड बार्क फ्रॉम ट्रीज चॉप फ्रूट्स एंड कट ट्रीज, और इसके अलावा वो पेड़ों को काटने में फ्रूट्स को कट करने में भी इन औजारों का ही यूज़ करते थे। उस समय कोई चक्कू वगैरह उनके पास नहीं होते थे, इन्हीं के द्वारा वो सब चीज़ों को यूज़ करते थे। तो ये आपका था कि टूल्स को वो किस प्रकार से यूज़ करते थे। तो ये बेटा आपका हाफ चैप्टर हो गया है, बाकी चैप्टर हम कल डिस्कस करेंगे। ये जितना समझ में आया है आप इसको एक बार फिर से रीड करोगे और इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करोगे। अब मैं आपको क्विक रिवीजन की दोनों क्विक रिवीजन की पिक्स भेज रही हूँ, आपको इन्हें बुक में फिल करना है और साथ में लर्न भी करना है। ओके थैंक यू।